स्वामी प्रसाद मौर्य के विवाद में अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। प्रयागराज में मीडिया के सवाल पर उन्होंने ऐसे बयान देने वाले लोगों को कैंसर बताया है। साक्ष्यम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये उनको भारत में रहने का। इधर अयोध्या के संत समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर संत समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमानगढ़ी से लेकर लता मंगेशकर चौराहे तक विरोध मार्च निकाला और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य गृह युद्ध की स्थिति कड़ी कर रहे हैं, वो रामचरित मानस की गलत व्याख्या कर रहे हैं, चौपाइयों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। और इसमें जो है तो ओबीसी के लोग भी थे, महिला, सब लोग मिल करके जो है उसका पुतला दहन किया। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सके। मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाएगा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरित मानस पर कहा, रामचरित मानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसलिए अब रामचरितमानस का मुद्दा उठाया जा रहा है। सीएम के बाद यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, हाँ मैं शूद्र हूँ और बीजेपी ने मुझे दिया है पहला स्थान। जिस तरह से वो शूद्रों वाली बात करते हैं तो क्या ऐसे में भाजपा को उन्हें शूद्रों का प्रमाण पत्र दे देना चाहिए? मैं शूद्र हूँ और मैं बैठी हुई हूँ मंच पर और सबसे पहला स्थान मुझे दिया हुआ है पार्टी ने और हमेशा ही पार्टी मुझे लेके चली है, ये प्रमाण है इस बात। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था, हमारे सीएम योगी हैं जो एक संस्था से आए हैं, उसका अपना एक इतिहास रहा है। मैं रामचरित मानस और शूद्र पर सीधा पूछूंगा कि सदन में बताइए शूद्र कौन कौन है। ये हमारा और आपका सवाल नहीं है, ये धार्मिक लोगों का सवाल है। उन्होंने आगे कहा, हम तो भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, जिस पर हमें आपत्ति है उस पर हम सदन में पूछेंगे। जिस शब्द को लेकर बवाल मचा है उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा, मैं इसे लेकर सदन में सवाल खड़े करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस पर सवाल उठाया था, वो आज भी अपने बयान पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।